नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अल्टरनेटर अपना चैप्टर चल रहा था और उससे पहले मैंने आपको जो चीज बताई थी, आपने पढ़ा था कि अल्टरनेटर के अंदर ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा और अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण आप लोगों ने पढ़ ली थी। आज हमने जो बात करेंगे कि ईएमएफ समीकरण के अंदर दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बताया था मैंने केपी और एक बताया था मैंने केडी। आज अपने जो इन केपी और केडी के बारे में बात करेंगे कि केपी क्या होता है और केडी क्या होता है, इन दोनों चीजों के बारे में हम करेंगे। आज क्या हुआ इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो केपी को मैंने बताया था कि इसको पिच फैक्टर बोलते हैं और इसको जो केडी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी कि पिच फैक्टर और एक होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण फैक्टर। इसके अलावा आप लोग पिच फैक्टर और पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे वाइंडिंग के अंदर जो वाइंडिंग पिच होती है और पोल पिच होती है उसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, पिच फैक्टर होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पे जो बात करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आप लोग देखें, तो यहां पर बात करेंगे कि अल्टरनेटर क्या होगा। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें अगर अच्छी लग रही है ना। जो भी आपके डाउट है वो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं क्लास ऐसी स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर आपको कुछ टॉपिक्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे फुल फॉर्मेट्स होगी, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। तो आज अपने जो बात करेंगे केपी क्या होता है और केडी क्या होता है, इन दोनों के बारे में अपने देखेंगे। तो आइए देखेंगे, तो केपी और केडी को पढ़ने से पहले आपको इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उसके प्रकार आपको समझने होंगे कि वाइंडिंग जो होगी अल्टरनेटर में वो कितने प्रकार की होगी। इससे पहले आप लोगों को ये चीज जानते रहना बहुत जरूरी है। तो यहां मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, एक होती है फुल पिच वाइंडिंग और एक होती है शॉर्ट पिच, इसके अलावा एक लॉन्ग पिच भी होती है, लेकिन वो आप लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां जो अपना जो केपी चलेगा वो फुल पिच और शॉर्ट पिच पर क्या होगा चलेगा। इसके अलावा दो वाइंडिंग और होगी, एक वाइंडिंग होगी कंसंट्रेटेड, ठीक है, या हिंदी में मैं लिख देता हूं, हो सकता है इंग्लिश में लाइन मिले तो, ठीक है। तो ये सेकेंडरी होगा, एक होगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यानी कि इसको बोलेंगे वितरित वाइंडिंग। तो ये चार प्रकार की आपको वाइंडिंग यहां दिखाई दे रही होगी, चार प्रकार की वाइंडिंग होगी यहां पर। तो सबसे पहले बात करेंगे फुल पिच की आगे, शॉर्ट पिच की आगे और फिर इन दोनों के बारे में बात करेंगे। एक आपका जो केपी बनेगा वो यहां से बनेगा और केडी जो बनेगा वो कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केपी जो होता है वो किन दो वाइंडिंग का अनुपात होगा, या यहाँ केडी जो होगा वो किन का अनुपात होगा, ये केपी किन दो के बीच में संबंध बताता है या केडी किन दो के बीच में संबंध बताता है। अब सबसे पहले हमने बात करेंगे कि पिच का मतलब क्या होता है, पिच होती क्या चीज है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको एक बार वाइंडिंग चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एक कम्यूटेटर पिच होती है, पोल पिच होती है, वाइंडिंग पिच होती है, बैक पिच होती है और फ्रंट पिच होती है। पिच का मतलब यह आपने भी एक बार देखा होगा, इसको स्पान भी बोलते हैं, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, स्पान भी बोल सकते हो। जैसा कि मेरे पास क्या ये चार पोल है, ठीक है, जैसे हम काम क्या करते हैं, ये चार पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है। इस समय अगर आप लोग देखेंगे तो यहां अगर मैं इस आर्मेचर को घुमाता हूं तो आर्मेचर को घुमाने पर क्या होगा, दूसरा जो पोल आएगा वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल दूरी तय करने के बाद ही आएगा। इलेक्ट्रिकल दूरी होगी, जानना मैकेनिकल दूरी 180 नहीं हो सकती, क्योंकि आर्मेचर को अगर आप लोग एक बार घुमाएंगे तो 90 डिग्री पर मैकेनिकल डिग्री तय करने पर यह क्या होगा, एस पोल आएगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब पोल पिच का मतलब क्या हुआ कि दो पोलों के बीच की जो दूरी होगी इलेक्ट्रिकल रूप से वो क्या कहलाती है, अपनी पोल पिच कहलाती है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, पोल पिच। अब आपको वाइंडिंग पिच पता है हमें, क्योंकि यहां आप लोग काम क्या बोल रहे हैं, फुल पिच। फुल पिच के अंदर क्या होगा कि जो पोल पिच होगी और जो वाइंडिंग पिच होगी ये दोनों हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब वाइंडिंग पिच क्या होगी वो देखो, कि मान लेते हैं कि पूरा आर्मेचर है, इस आर्मेचर के अंदर खांचों की संख्या मान लेते हैं 36 है और आपको देखिए दे दिया कि 36 खांचे हैं इस पूरे आर्मेचर के अंदर और पोल की संख्या कितनी है, 4 है। अब ऐसे खांचों की संख्या अगर आप लोग काउंट करेंगे तो 36 होगी, इस तरीके से चलता रहेगा, 4, 5, 6 ऐसे होंगे। इसका मतलब आपने काम क्या किया कि आप लोग देखेंगे 36 खांचे 4 पोल है, इसका मतलब है 9 पोल
पोल के नीचे एक पोल बनेगा, हर नौ खांचों के नीचे एक पोल बनेगा, ये तो यहां से पोल बीच अगर आपने वो निकाल दे, तो ये मैंने आपको बताया था कि खांचों की संख्या बटा में क्या होगी पोलों की संख्या, तो 36 बटा में 4 और पोल पिच कितनी है यहाँ पे वही। अगर आप लोग वाइंडिंग पिच करते तो वाइंडिंग आपने एक नंबर खांचे में डाला और दूसरी डांडर 10 नंबर खांचे से, इसका मतलब वाइंडिंग का विस्तार कितना है, कुंडली का विस्तार कितना है, कुंडली का जो यहाँ विस्तार है वो 1 से कितना है 10 खांचे। अगर आप इसकी पिच निकालें तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9। इसका मतलब अगर वाइंडिंग पिच और पोल पिच दोनों बराबर है, मतलब कि पोल के बीच में जो खांचों के आधार पर जो दूरी है और जो आर्मेचर के चालकों के बीच में जो दूरी है, क्योंकि एक चालक है ना दूसरा चालक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी अगर बराबर होगी खांचों के आधार पर तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, फुल पिच वाइंडिंग बोलेंगे। इस समय जो फुल पिच वाइंडिंग होगी इसका मतलब क्या होगा कि फुल पिच वाइंडिंग के अंदर क्या होगा कि जो वाइंडिंग पिच होगी और जो पोल पिच होगी हमेशा क्या होगी बराबर होगी। तो पहली बात आपको यहां से याद रखना है कि वाइंडिंग पिच बराबर क्या होगी इसके अंदर, कि वाइंडिंग पिच बराबर क्या होगी पोल पिच होगी, ठीक है, एक बात तो ये आपको याद रखना है। या आप ये बोल सकते हो कि जो आर्मेचर चालक जो होंगे वो कितने कितने डिग्री की इलेक्ट्रिकल दूरी पर है, आर्मेचर चालक यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री की दूरी पर है, 180 डिग्री की इलेक्ट्रिकल दूरी पर होंगे। इसका मतलब मान लेते हैं एक चालक ये रहा, क्योंकि दो चालक होंगे एक ये रहा दूसरा कौन सा ये रहा, इसके अंदर ई उत्पन्न हो रहा है इसमें भी ई उत्पन्न हो रहा, इसका मतलब जो टोटल जो तुम्हारा ई एम एफ होगा यहां से इस समय वो क्या होगा ई प्लस ई होगा। अब यहां से आपको दो बातें ढंग से समझनी होगी, क्योंकि अगर आप लोग यहां से नहीं समझोगे तो ये पूरा मैटर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। देखो आपने जैसे मैं एक चीज बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना, क्योंकि अगर वो नहीं समझ में आएगी तो ये नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या किया दो प्रतिरोध लिया, इस पर 10 वोल्ट और इस पर 10 वोल्ट, तो आप लोग टोटल अगर वोल्टेज बताएंगे तो कितनी बताएंगे 20 बताएंगे यही होगा। लेकिन अगर क्या होगा अगर ये कुंडली होती तो एक संधारित्र होता, ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस है, ये क्या होता कुंडली होती, यहाँ अगर 3 वोल्ट है यहाँ 4 वोल्ट है तो आप लोग टोटल 7 नहीं बताते, इस समय इनका लिया जाता है वेक्टर योग, इस समय इनका क्या लेंगे वेक्टर योग लेंगे, क्योंकि ये 3 का स्केयर होगा ये 4 का स्केयर होगा फिर इनका रूट लेंगे तो 5 वाला निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिग्री जो इलेक्ट्रिकल डिग्री अगर 0 डिग्री होती है, जैसे शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट होते हैं 0 डिग्री होगा तो आप 10 सीधा जोड़ के 20 बता दोगे, ये कंसेप्ट सभी में चलता है, जानना थोड़ा सा जानना क्योंकि आज वाला टॉपिक है ये तुम लोगों को बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये 10 है ये 10 है टोटल वोल्टेज 20, इसी तरीके से यहाँ ये यहाँ ये तो टोटल कितना ई, इसको बोलते हैं बीज नीति जोड़, इसको क्या बोलेंगे बीजीय योग। और ये आपने किचोक के नियम में भी पढ़ा होगा कि बीजीय योग किसी जंक्शन पर क्या होता है शून्य होता है, ये आपने पढ़ा होगा। जो ये जो तुमको मैंने योग बताया स्केयर करके जोड़ते इसको बोलते हैं सदिश योग, सदिश योग तब लिया जाता है जब कोई ना कोई एंगल बनता है, और ये आपने समांतर चतुर्भुज का नियम भी पढ़ा होगा आईटीआई के अंदर डब्ल्यूसी बुक के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग एक बार पढ़ के देखिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां से आना, तो फुल पिच वाइंडिंग ऐसी होगी जिसमें पोल पिच और जो वाइंडिंग पिच होगी दिशा बराबर होगी, इसका मतलब आर्मेचर चालक जो होंगे वो कितने डिग्री की इलेक्ट्रिकल दूरी पर होंगे तो 180 डिग्री। इस समय ये एक चालक है दूसरा चालक है दोनों में उत्पन्न ईएमएफ होगा वो ई प्लस ई होगा, मतलब अगर वाइंडिंग फुल पिच है तो ईएमएफ अगर पूछा जाए तो दोनों चालकों के ईएमएफ का योग के बराबर होगा और इसको बोलते हैं बीजीय योग, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी वाइंडिंग हमने बात करते हैं शॉर्ट पिच, शॉर्ट को हिंदी में लघु बोलते हैं, शॉर्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 36 खांचे थे आपके पास और 4 पोल थे और यहां से पोल पिच कितनी आ गई, आप लोगों ने काम क्या किया 1 2 3 ये मान लेते हैं आर्मेचर की खांचे हैं, ठीक है सर, आपने 1 नंबर में डाल दिया फिर आपने 7 नंबर में खांचे में डाल दिया, इसका मतलब खांचे क्या अगर इसी धार पर देखें तो आपको यहाँ 10 नंबर में आना था आपने तो ये 3 खांचे छोड़ दिए, इसको बोलते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग, यानी कि आपने उसको किसी न किसी डिग्री से शॉर्ट कर दिया छोटा कर दिया। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा आपको, ठीक है, आगे बताऊंगा। अब और देखिए अगर मान लेते ये चालक ई था और ये ई पहले यहाँ पे आया था, अब आपने कहा कि इसको थोड़े से ये खांचे छोड़ दिए, ये जो छोटे खांचे ये आपने इस खांचे को यहाँ डाल दिया, इसका मतलब ये कोई ना कोई कोण बनाएगा उसको मान लेते हैं अल्फा, और अंदर वाला कोण कितना बनेगा 180 माइनस क्या बनेगा अल्फा, यही होगा क्योंकि आपको पता है कि क्या बन रही है एक सरलरेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये अंदर वाला क्या बनेगा, अगर ये अल्फा मानेंगे कि अल्फा डिग्री से आपने छोड़ करके तो अंदर वाला एंगल कितना बनेगा 180 माइनस
अल्फा बनेगा। अब यहां से सवाल सुनो आपको, अगर आपको बोलेगा कि पोल पिच का मान जैसे दे दिया आपको 9 है कि 36 खांचे हैं और 4 बॉल है और कुंडली का जो विस्तार है वो कितना दे दिया आपको 1 से दे दिया 8 खांचे, तो आपको ये बोलेगा कि कुंडली की जो स्पान है कुंडली का जो विस्तार है वो पोल उसमें डिग्री में कितना है या कितने डिग्री से शॉर्ट कर देगी, दो सवाल बनते हैं, या तो बोलेगा कि कितने डिग्री तक उसको विस्तार किया गया या कितने डिग्री से वो क्या शॉर्ट है, कितने डिग्री तक अगर विस्तार अगर पूछे, देखो यहां से आपको क्या करना है पोल पिच निकालने की, कितनी आ गई 9, इसका मतलब एक पोल और दूसरे पोल के बीच की जो इलेक्ट्रिकल डिग्री थी वो कितनी थी, कितनी आएगी यहाँ पे, यानी कि 20 डिग्री एक खांचे के बराबर आएगी, क्योंकि 9 खांचे में कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो एक खांचे की जो डिग्री आएगी वो कितनी आएगी 20, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 × 20 करेंगे तो पूरा 180 हो जाएगा और 10 नंबर खांचे से दूसरा पोल क्या हो जाएगा अपना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 1 से 7 खांचा तो यहाँ कितने आगे 7, इसका मतलब 20 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 140, तो आपने कितने खांचे से शॉर्ट कर दिया, तो 40 डिग्री खांचे से या 40 डिग्री से इसको क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली अब जो है वो 180 डिग्री तक नहीं जाती खांचों के अंदर इलेक्ट्रिकल डिग्री के आधार पर, और ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होता है मैकेनिकल डिग्री क्या होता है ये पहले बता चुका हूं मैं, तो 180/9 करेंगे तो 20 आएगा, इसका मतलब एक खांचा 20 डिग्री की दूरी बता रहा है आपको, अगर तुम यहां से निकालेंगे तो ये 7 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, इसका मतलब आपने कितने खांचों से शॉर्ट कर दिया उसको 2 खांचों से शॉर्ट कर दिया, या इसको यहां से लिख सकते हो 40 डिग्री से आपने क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया, तो वैसे ही देख लो कि यहां आपको आना चाहिए था, आपने ये 2 खांचे छोड़ दिया, एक खांचा आपको पता है 20 डिग्री का एंगल बता रहा है, तो टोटल कितना आएगा 40 डिग्री, इस समय ध्यान रखना आपको काम क्या करना, इस समय जो लिया जाता है इसका वेक्टर योग लिया जाता है, इस समय जो इसका वेक्टर योग आएगा, देखो मैं यहाँ इसका सीधा फार्मूला बताऊंगा क्योंकि ये आप लोगों को अगर वो नहीं आती तो इसका मतलब बताने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से जो टोटल जो होगा वो ध्यान में कितना आएगा 2 cos α/2 आएगा यहाँ से, ठीक है, ये अगर आप लोगों को पता है तो आप लोगों को कर सकते हो, इसके अलावा मैं वैसे भी वीडियो बनाऊंगा फार्मूले के डेरिवेशन समझाऊंगा आप लोगों को, तब इसके बारे में पूरा बताऊंगा, आज बस आप लोग इतना याद रखें, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा जहां जिनको ये जो होती है जो अपने क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से आती है, बस आप लोग इतना याद रखें, ये जो योग होता है इसको बोलते हैं सदिश योग। अब पिच फैक्टर होगा क्या, देखो दो प्रकार की वाइंडिंग आपके पास, एक तो फुल पिच वाइंडिंग है, कौन सी है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच के अंदर क्या दिया आपने इलेक्ट्रिकल डिग्री जो इसकी जो वाइंडिंग पिच होगी और पोल पिच होगी वो हमेशा क्या होती है बराबर होती है, इसका मतलब इसके चालक के अंदर ये है दूसरे में भी ये है ऐसे बताइए, इसके अंदर ये और इसके अंदर भी ये, इसका मतलब एफर्ट कितना आएगा 2 ही ऐसे होगा, लेकिन जब इन्हीं चालकों को आप किसी ना किसी देखो एक चालक ये दूसरा चालक इसको अगर आप शॉर्ट कर देते हो मतलब जहां इसको जाना चाहिए था उससे पहले आपने खर्चों में डाल दी तब क्या होगा, तब ये होगा ये अल्फा डिग्री से शॉर्ट किया इसका मतलब 180 माइनस क्या होगा अल्फा, होगा इतने डिग्री पर आपने कुंडली का विस्तार किया, और ये मैंने भी आपको जो सवाल बताया था उसमें भी कर सकते हैं कि 180 माइनस इस अल्फा का मान मैंने बताया था 40 डिग्री से आपने उसको शॉर्ट किया इसका मतलब कुंडली यहां से यहां तक कितने डिग्री में, तो 140, 180 माइनस 40 करोगे तो भी कितना 140 है, तो यहां आपको अगर केपी का मान निकालना हो तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, तो केपी जो होगा वो क्या होगा ईएमएफ का होगा बीजे योग सॉरी सदिश योग और नीचे आएगा ईएमएफ का बीजे योग, ठीक है ये केपी का फार्मूला होता है, या इसको आप क्या लिख सकते हो कि सदिश योग कब आया था शॉर्ट पिच, यानी कि शॉर्ट पिच में उत्पन्न ईएमएफ और फुल पिच में उत्पन्न ईएमएफ का क्या होगा अनुपात होगा, अब आपको पता है कि जो फुल पिच थी इसमें कितना ईएमएफ उत्पन्न हुआ था, फुल पिच के अंदर कितना ईएमएफ हुआ था और शॉर्ट पिच के अंदर कितना हुआ था, तो यहां मैं लिख देता हूं केपी बराबर जो होगा वो क्या होगा उसका अगर देखेंगे तो शॉर्ट पिच के अंदर ये था 2 cos α/2 और यहां इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका मैंने भी बताया था फुल पिच का 2 ही था, इसको कैंसिल करेंगे तो यहां केपी बराबर कितना आएगा cos α/2। अब यहां से अगर आपको केपी का अधिकतम मान पूछे तो केपी का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कोस का अधिकतम मान कितना हो सकता है 1 हो सकता है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। अब आपको केपी का फार्मूला स्केची से पिछड़ के मान पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है,
ये टॉपिक ऐसा है कि जहां से आप लोगों को या तो आपने पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दिया तो समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई होगी। तो दोबारा बता देता हूँ एक बार, जो फुल पिच वाइंडिंग होगी उसके अंदर पहले चाले के अंदर ये है, दूसरे में तो दोनों का सीधा जोड़ होगा क्योंकि वहां बीजे योग लिया जाता है। लेकिन जब वाइंडिंग को किसी ना किसी एंगल पर शॉर्ट करेंगे तो जब वाइंडिंग कोई ना कोई कोण बनाती है तो वहां उसका योग हमेशा सदिश योग लिया जाता है, और सदिश योग के अंदर ये तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा। और ये कैसे आया ये अभी नहीं बताऊंगा, ये अपने कभी बताएंगे उस एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा इन चीजों को कैसे हल किया जाता है। जितने भी डेरिवेशन होते हैं उनके अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक। लेकिन आज आप इतना याद रखें, ये इतना होगा, ये सदिश योग है, ये जो मैंने अभी दो ही बताया था ये बीजगणित योग है। अब सदिश योग कब लिया जाता है, ये शॉर्ट पिच में लिया जाता है। जो अदिश योग लिया जाता है वो लिया जाता है बीज योग लिया जाता है वो फुल पिच में लिया जाता है। एपी जो है दोनों का अनुपात होगा, यहाँ से याद करना केपी का अधिकतम मान कितना होगा। अब इसमें मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, ध्यान से सुनना, आज तक आया नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। देखो तो केपी का मान यहाँ से कितना होगा, एक होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मान कितना। अगर आपको बोले कि बाइंडिंग जब अल्फा, मैंने भी आपको क्या बताया था थोड़ा सा ध्यान, अल्फा मैंने बताया था कि आपने उसको कितने डिग्री से शॉर्ट किया था, इसका मतलब अल्फा क्या है उसको कितने डिग्री से क्या किया शॉर्ट किया। अल्फा का मान 180 या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो एक चीज देखो इधर, तो अल्फा का मान जैसे आपको दे दिया कि आर्मेचर उसमें 36 खांचे और पोल की सीमा कितनी, 4 पोल है, और आपको दे दिया कि कुंडली का विस्तार, कुंडली का विस्तार आपको दे दिया 1 से आपको दे दिया 7 खांचे, और आपको बोलेगा कि पिच फैक्टर बताओ, आपको क्या बोलेगा पिच फैक्टर बताओ। तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अल्फा का मान कितना है। से देखो 36 को 4 से भाग देके पोल पिच निकालो कितना आया ना, ये हुआ। अब आपको ये पता है कि ये जो नोच होता है ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है पोल पिच का मतलब एक पोल के बाद में दूसरा पोल कितने खांचों के बाद आया है, और 180 डिग्री में दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आर्मेचर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री के बाद में एक एन पोल है तो दूसरा कितने कितने डिग्री के बाद में आएगा, तो 180 डिग्री के बाद में आएगा। तो इसको काम क्या करेंगे, 180 से 9 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब एक खांचा जो होगा वो 20 डिग्री की इलेक्ट्रिकल दूरी पर है। 20 डिग्री की क्या है, इलेक्ट्रिकल दूरी पर है, ये बात आपको यहां से याद रखनी। अब आपको काम क्या करना है, कुंडली का विस्तार चेक करना है, तो कुंडली का विस्तार 1 से 7 है, इसका मतलब वाइंडिंग पिच। तो यहां जो वाइंडिंग पिच होगी, वाइंडिंग पिच क्या होगी, यहां पे वाइंडिंग पिच होगी 1 से 6 खांचा, इसका मतलब वाइंडिंग पिच कितनी आएगी, 6। इसका मतलब एक खांचा 20 डिग्री की दूरी पर है तो 6 खांचों से कितनी, 120 डिग्री। इसका मतलब अल्फा का मान कितना आएगा, 180 होना चाहिए था, कितना हुआ, 120 हुआ। इसका मतलब यहां से कितने डिग्री से शॉर्ट है, तो अल्फा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, ये होगा। अब आपको पिच फैक्टर का मान पूछा तो क्या करना है, कोस अल्फा, अल्फा का मान रखेंगे 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 30, कोस 30 का मान होगा 1/2, इसका मतलब इस केपी का मान कितना आएगा 1/2, यानी कि 0.5 इसका क्या होगा, पिच फैक्टर होगा। तो यहाँ इस तरीके से इन सवालों को क्या करना, आपको हल करना, इस तरीके से अगर आपको सवाल पूछा जाए तो। अगर आपको इस सवाल के अंदर ये पूछा जाए कि कुंडली का विस्तार कितना है, कुंडली का स्पान कितना है, अगर आपको पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, कुंडली का विस्तार 120 डिग्री कैसे निकालेंगे, पोल पीस खांचा से यहां से पोल पीस निकालेंगे 9। अब आपको पता होना चाहिए एक पोल और दूसरे पोल खांचों के आधार पर तो दूरी है वो 9 खांचे है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री के आधार पर कितना है, 180। तो इसका मतलब एक खांचा कितने डिग्री की दूरी बता रहा है आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर, 120 डिग्री, तो 6 खांचे कितना बताएंगे, 120। तो ये आएगा कितने डिग्री से शॉर्ट किया तो यहाँ कितना का 60, और पिच फैक्टर पूछे तो एक चीज अगर आपको समझ में आई तो तीनों तरीके के सवाल आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हो। फिर बात जाएंगे अपने दूसरे प्रकार की जो वाइंडिंग होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग जो होगी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग और एक होती है अपनी वितरित वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब होगा जिसका केंद्र से होता है, और ये कल एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग कहां करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग कहां करते हैं, वो आज आप लोग देखें। सेकेंडरी वाइंडिंग जिसका केंद्र सेम हो, ये मैंने एक रोटर बना दिया साइलेंट मोड रोटर इस तरीके से, अगर मैं यहां एक वाइंडिंग में बैठता हूं तो यहां इसका जो ये केंद्र होगा वो सभी का क्या होगा, सेम होगा।
इसका मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग ऐसी बाइंडिंग जिसमें सभी कुंडलियों का जो केंद्र होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग। और कहां की जाती है तो वो होगा सेलिएंट पोल, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सेलिएंट पोल के अंदर जो बाइंडिंग की जाती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी। और यहां जो उत्पन्न नियमक जो होगा वो धारक में इसको क्या किया जाता है, फिर देखें वितरित बाइंडिंग की अगर हमने बात करें, वितरित बाइंडिंग की अगर हमने बात करें तो यहाँ इसका जो क्या होगा, जो वितरित बाइंडिंग ऐसी बाइंडिंग जिसको सभी खांचों में वितरित किया होगा, आर्मेचर पर यहाँ जितने भी खांचे होते हैं इन सभी खांचों में बाइंडिंग अगर डालना है आपने तो उसको बोलते हैं वितरित बाइंडिंग। और ये बाइंडिंग कहाँ करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल में करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी। अब बात आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि वितरित बाइंडिंग में उत्पन्न नियामक और सेकेंडरी बाइंडिंग में उत्पन्न नियामक का क्या होता है, योग होता है, उत्पाद अनुपात होगा। तो वितरित वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2m ठीक r साइन m बीटा बाय 2 होगा। और जो इसके अंदर उत्पन्न होगा उसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2r साइन बीटा बाय 2। अब यहां से जो वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे तो यहां से अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा m साइन बीटा बाय 2 और साइन बीटा बाय 2। अब आपको फिर शाम आएगा, सॉरी, अब आप लोग ये थोड़ा सा सोचेंगे ये फॉर्मूले बनेंगे से, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इनकी वीडियो में आप ध्यान नहीं बना सकते क्योंकि आप लोगों को डेरिवेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, सबर रखें, बस और यही चीज ध्यान रखें कि ये बना कैसे, ये है क्या सिस्टम, ये इसका ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैंने आपको बता दिया कि एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी जिसकी जिसमें सभी वाइंडिंग का केंद्र क्या होगा, समान होगा। एक होगी डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग यानी कि जिसके अंदर सभी खांचों के अंदर वाइंडिंग को वितरित करेंगे, ये वाइंडिंग सिलेंड्रिकल के अंदर होगी, ये वाइंडिंग सेलिएंट पोल के अंदर होगी। इसमें जो ये उत्पन्न होगा उसका फॉर्मूला ये होगा, इसमें होगा वो ये होगा। इनका जब अनुपात बनाएंगे केडी के लिए तो ये सारा कटेगा, यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा। अब उसके बाद में देखें, अब एम क्या चीज होती है और बीटा क्या चीज होती है, अब ये चीज आप लोगों को समझना है यहां से। तो एम जो होगा वो क्या होगा, एम जो होता है ये खांचा बटा में खांचा, प्रति पोल प्रति फेज होता है, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, पोल की संख्या इंटू क्या आएगा, फेज की संख्या आएगी। तो एम का मान ये होगा, बीटा का मान अगर आपसे पूछा जाए तो बीटा का मान होगा 180 बटा में खांचा प्रति पोल, खांचा प्रति, इसका मतलब इसको और क्या लिख सकते हो, 180 बटा में क्या लिख सकते हो, खांचा बटा में क्या लिख सकते हो, पोल लिख सकते हो। इसका मतलब ये पोल कहां चला जाएगा, पोल ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आंसर क्या बनेगा आपका, 180 बटा में पोल बटा में क्या आएगा, खांचा, यानी कि खांचों की संख्या। अब आपको कुछ नहीं करना, एम का मान अगर आप देखा इतने खांचे तीन फेज की वाइंडिंग है इतने पोल है ये है वो है, तो आप एम का मान निकालें बीटा का मान निकालें, दोनों को समीकरण में रखें, आंसर आएगा आपका। इस तरीके से सवालों को आप लोगों को हल करना है, ठीक है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं, देखो दोबारा देखें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि चार प्रकार की वाइंडिंग मैंने आपको बताया, थोड़ा चार प्रकार की वाइंडिंग मैंने आपको बताई है, देखो ध्यान से सुनना, पहली फुल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग, चार प्रकार की वाइंडिंग। शुरू वाले दो से आपको बनाना है केपी और शुरू लास्ट वाले दो से बनाना आपको केडी, यानी कि चार प्रकार की वाइंडिंग है। एक तो आपके पास है शॉर्ट पिच, दूसरी आपके पास है फुल पिच, यहां से जो एक वाइंडिंग होगी आपको है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है, और यहां से जो वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो केपी बनेगा, इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो केडी बनेगा। इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसको लिखेंगे 2e cos अल्फा बाय 2, इसके अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो होगा 2e। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ होगा वो 2mr sin m बीटा बाय 2 होगा, और इसके अंदर जो उत्पन्न होगा वो 2r sin बीटा बाय 2 होगा। इनका अनुपात बनाएंगे तो यहां से अपने को जो केपी मिलेगा वो मिलेगा cos अल्फा बाय 2 मिलेगा, इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो यहां से जो अपने को केटी का जो मान मिलेगा वो m साइन एम बीटा बाई टू मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा, साइन बीटा बाई टू, ठीक है। ये सारे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया हुआ है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ शायद यहाँ। तो यहाँ इसमें देखेंगे जो ये टू आर नहीं होगा, ये सीधा टू आर होगा, यहाँ पे ये टू आर साइन एम बीटा बाई टू होगा, यहाँ क्या होगा टू एम, ठीक है, टू एम आर
साइन बीटा वेट होगा। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको काम क्या करना है, इसके अंदर इसका डिवाइडेशन करेंगे तो ये 2r से 2r कैंसिल होगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ m नहीं होगा यहाँ पे फिर, और सीधा आएगा यहाँ साइन m बीटा बाई 2 होगा, और 2r है ये 2r से कैंसिल होगा क्योंकि इसका जो मान होगा यहाँ से, और 2mr साइन बीटा बाई 2 होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लेना आप लोग। तो यहाँ क्या होगा 2r sin m बीटा बाई 2 होगा, इसको हल करेंगे तो 2mr sin बीटा बाई 2 होगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2r से 2r कैंसिल होगा, ऊपर ये चीज बचेगी और नीचे क्या बचेगी यहाँ m आएगा। ठीक है, m का मान आपको मैंने बता दिया कि खांचा प्रतिपोल प्रति फेज होगा और बीटा का मान एक उसी बटा में खांचा प्रतिपोल होगा, इस तरीके से इनके मान निकालने। तो ये केपी और केटी का इन दोनों का अधिकतम मान होगा वो 1 से ही मैक्सिमम होगा, और ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं वो बात आपको याद होनी चाहिए। एक चीज शॉर्ट पिच वाइंडिंग के कुछ फायदे होते हैं, वाइंडिंग को जब आप शॉर्ट करेंगे तो चालक जो होंगे उसका तांबा कम लगेगा, इसका मतलब इसमें तांबा हानियां क्या होगी कम होगी, मशीन की दक्षता बढ़ेगी, और जो साइन वेव जो होती है आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो वास्तव में ऐसे साइन वेव नहीं होता, इस तरीके से थोड़ा सा होता है, ये फ्रीजिंग प्रभाव के कारण आता है इस तरीके से, ये पूरा साइन वेव नहीं होता, आपने कभी डायग्राम देखा होगा, तो ये पूरा ऐसे तरीके का जो बनता है वो साइन वेव बनता है, वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में उत्पन्न होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के अंदर, तो देखते रहिए बीच में। धन्यवाद।